हाय एवरीवन, आज हम डिस्कशन करेंगे क्या पोलो ऑल्टो के इंटरफेसेस। और पोलो ऑल्टो के इंटरफेसेस में आज हम पहले डिस्कशन करेंगे क्या टैप मोड इंटरफेस। वैसे तो पोलो ऑल्टो फायरवॉल के अगर आप देखोगे तो आपके पास मल्टीपल टाइप के इंटरफेसेस आप यूज कर सकते हो पोलो ऑल्टो पे। जैसे हमारे पास L2 इंटरफेस है, L3 इंटरफेस है, HA इंटरफेस है, वर्चुअल वायर इंटरफेस है एंड टैप इंटरफेस है। L2 इंटरफेस का मतलब नॉर्मल स्विच का इंटरफेस, यानी आप पोलो ऑल्टो के किसी एक इंटरफेस को, ये दो इंटरफेस जितने भी इंटरफेस आप चाहो उन इंटरफेसेस को आप L2 इंटरफेस स्विच पोर्ट की तरह यूज कर सकते हो। सेकंड आपका क्या है L3 इंटरफेस। L3 इंटरफेस का मतलब हमारे पास क्या है कि आप जस्ट लाइक अ राउटर इंटरफेस, आप एक राउटर इंटरफेस की तरह यूज कर सकते हो, उसके ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास होता है HA इंटरफेस, हाई अवेलेबिलिटी इंटरफेस, यानी जब आप फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन करते हो पोलो ऑल्टो फायरवॉल पे तो आप इसे यूज करते हो। सेकेंड आपके पास वर्चुअल वायर इंटरफेस है। वर्चुअल वायर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, हम बाद में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी आज हमारा जो टॉपिक है वो है टैप इंटरफेस। सो पोलो ऑल्टो में हम टैप इंटरफेस आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने छोटा सा एक टोपोलॉजी बनाया हुआ है, उस टोपोलॉजी को क्लियर करो, ठीक है ना। जैसे मान लो मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, एक पोलो ऑल्टो फायरवॉल डिप्लॉय करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पोलो ऑल्टो फायरवॉल डिप्लॉय करने से पहले मैं चाहूंगा कि पोलो ऑल्टो का जो इंटरफेस है, जो इंटरफेस मैं यूज कर रहा हूँ राइट नाउ इस टोपोलॉजी में, मैं 0/6 यूज कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इस इंटरफेस को अभी मैं, या पोलो ऑल्टो के इंटरफेसेस को मैं टैप मोड में यूज करूँ। क्योंकि क्या है ना कि मुझे पॉलिसी लगाने से पहले मुझे पता होना चाहिए किस तरह की ट्रैफिक, या फायरवॉल डिप्लॉय करने से पहले मुझे पता होना चाहिए किस तरह की ट्रैफिक मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूजर किस तरह के यूआरएल को एक्सेस करते हैं, किस तरह के एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, कि किस तरह के यूआरएल कैटेगरी को एक्सेस करते हैं, ये मैलिशियस फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मैलिशियस DNS या मैलिशियस डोमेन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास पहले से ही हो तो मुझे पॉलिसी लगाने में क्या होगी, आसानी होगी, सिक्योरिटी पॉलिसी जो आप पोलो ऑल्टो फायरवॉल पे कन्फिगर करते हो। तो टैप मोड समझ लो आपको मॉनिटरिंग के लिए। जैसे एक टोपोलॉजी देखो, इस टोपोलॉजी में क्या आपके पास है, यहाँ पे इस टोपोलॉजी में आपके पास स्विचेस लगे हैं, एक सिंपल सा नेटवर्क राउटर्स है और ISP साइड है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, ये जो इंटरफेस है आपका, ये इंटरफेस और यहाँ ये भी इंटरफेस, इस इंटरफेस पे आपने स्पैन यूज किया। अगर सब लोग राउटिंग सेटिंग से आ रहे हैं तो सबको याद होगा स्पैन होता है स्विच पोर्ट एनालाइजर, जहाँ पे हम पोर्ट मिररिंग करते हैं। मैंने इस पे स्पैन कॉन्फ़िगर किया तो क्या हुआ, TX एंड RX, यानी कोई भी ट्रैफिक यहाँ पे इस इंटरफेस से ट्रांसमिट हो रही है या रिसीव हो रही है, ओके। उसकी एक कॉपी मिररिंग में कर रहा हूँ, उसकी एक कॉपी में बना रहा हूँ, उस कॉपी को मैं कहाँ भेज रहा हूँ, सीधे इस इंटरफेस। और इस इंटरफेस से क्या है, मेरा पोलो ऑल्टो फायरवॉल कनेक्टेड है, पोलो ऑल्टो का ये इंटरफेस कनेक्टेड है, और ये इंटरफेस को मैं किस मोड में यूज कर रहा हूँ, टैप इंटरफेस मोड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, लॉक्स देख रहा हूँ, यानी समझ लो आपका ये जो इंटरफेस है आइडियाज मोड में बैठा हुआ है, बस ये डिटेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, ओके कि एप्लीकेशन ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, बस ये क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, किसी को स्टॉप नहीं करेगा टैप मोड इंटरफेस। आपने इस इंटरफेस पे भी क्या किया, स्पैन कॉन्फ़िगर किया, यानी आपने RX और TX इनेबल किया, और उसकी एक कॉपी की मिररिंग आपने कहां भेजी, इस इंटरफेस से। और इस इंटरफेस से क्या कनेक्टेड है, पोलो ऑल्टो का ये 0/6 इंटरफेस, जिसको आप टैप इंटरफेस की तरह यूज करते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है ये, ओके, ये सर्वर्स आपके लैन के अंदर है, ये स्विचेस हैं, आपने क्या किया यहाँ पे स्पैन कॉन्फ़िगर किया, उसका डेस्टिनेशन पोर्ट आपने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया, और इससे आपका पोलो ऑल्टो का ये इंटरफेस कनेक्टेड है, और ये इंटरफेस आप कैसे यूज कर रहे हो, टैप मोड इंटरफेस, यानी ट्रैफिक तो जा रही है लेकिन उसकी कॉपी इस पोलो ऑल्टो के इस इंटरफेस पे पहुंच रही है, और मैं ये क्या कर रहा है, सारे लॉक्स को इकट्ठी कर रहा है। तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैंने 10 डेज के बाद देखा, ओके, इतनी सारी ट्रैफिक जा रही है, इस तरह के एप्लीकेशंस यूजर्स यूज करते हैं, इस तरह के यूआरएल को यूज करते हैं, इस तरह के यूआरएल कैटेगरीज को यूज करते हैं, तो अगर मेरे पास सारी फुल विजिबिलिटी आ गई एप्लीकेशन की, सारी इंफॉर्मेशन की, तो मेरे पास सिक्योरिटी पॉलिसी लगाना मेरे लिए थोड़ा आसान हुआ, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या अलाउ करना है और क्या ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ये आपका टैप मोड इंटरफेस का डिस्कशन है। अब इस पे इसको आप लैब पे कैसे जानोगे, तो यहां से हम लैब की तरफ मूव करते हैं, कैसे हम पोलो ऑल्टो के इंटरफेस को एज अ टैप मोड इंटरफेस की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप पोलो ऑल्टो को मैंने लॉगिन किया, यूजर नेम एडमिन होता है, सबको पता होगा, पासवर्ड भी एडमिन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई इंटरफेस है, अभी मैं दिखाता हूँ, जो इंटरफेस कोई भी एक इंटरफेस हम यूज कर सकते हैं टैप मोड इंटरफेस के लिए।
आपको नेटवर्क पे क्लिक करना है, और नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंटरफेस का टैब होगा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ईथरनेट 1/5 को क्या यूज करना है एज अ टैब इंटरफेस, तो यहाँ देखो इंटरफेस टाइप, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो सारे इंटरफेस टाइप है, टैब है, HA है, वर्चुअल वायर है, L2 इंटरफेस है, L3 इंटरफेस है। राइट नाउ हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में, इंटरफेस टाइप में टैप इंटरफेस। अगर आप टैप इंटरफेस सेलेक्ट करोगे ना, सिक्योरिटी जोन का ऑप्शन आएगा, आपको इसको किसी जोन में डालना होगा, तो मैं इसे अभी फिलहाल के लिए किसी जोन में नहीं डाल रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे टैप सेलेक्ट किया आपने, एडवांस पे क्लिक किया, कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, लिंक स्पीड, लिंक डुप्लेक्स, लिंक स्टेट, और ये आपका टैप इंटरफेस मोड का कॉन्फ़िगरेशन। ओनली सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन ओके, और फिर आपको पता है पॉल ऑल्टो पे कुछ भी चेंजेस हम करते हैं क्या करते हैं, कमिट करते हैं। तो ये वीडियो हमारा किस लिए है, पॉलो ऑल्टो के किसी इंटरफेस को टैप मोड इंटरफेस की तरह कैसे यूज करना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वर्चुअल वायर इंटरफेस क्या होता है, ठीक है।